ओबीसी समाज समिति महाराष्ट्र की ओर से ओबीसी समाज के प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने आज ओबीसी आरक्षण के समर्थन में वो ओबीसी के राजकीय आरक्षण को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर संविधान चौक में नाना उमाटे इनके नेतृत्व में तीव्र प्रदर्शन किया गया। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने ओबीसी आरक्षण विरोधकों के निषेध में मुंडन भी किया। ओबीसी समाज समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना उमाटे ने कहा कि ओबीसी आरक्षण विरोधकों ने ओबीसी के राजकीय आरक्षण को पूर्णतः समाप्त किया है। इसके दुर्गामी परिणाम भविष्य में ओबीसी की शिक्षा नौकरी के आरक्षण सहूलियतों पर होगा। ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा उनके बार नमूना सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक माह में तैयार कर उनके बार उपयोग में लाया है। 2005-2006 में ओबीसी के IIT IIM जैसी उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश के आरक्षण की रक्षा के लिए नमूना सर्वेक्षण संगठन ने यह डाटा एक माह में तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करके ओबीसी आरक्षण की रक्षा की थी। फिर भी महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार यह डाटा बनाने में 6 माह से ऊपर अवधि लगेगा यह कह रही है। हमसे यह आंदोलन ओबीसी आरक्षण समर्थनार्थ हमसे यह आंदोलन होता है। मुख्य म्हणजे ओबीसी जे राजकीय आरक्षण जे रद्द करण्यात आला आहे ते पुन्हा बहाल करावं याच्यासाठी आमचं आंदोलन आहे। तसंच ओबीसींना प्रमोशनमध्ये नोकऱ्यामध्ये आरक्षण मिळावं आणि बॅकलॉग नोकऱ्याचा बॅकलॉग भरावा, जनगणना करावी, मराठ्यांना ओबीसीमध्ये सामील करू नये या मागण्यासाठी हे आमचं आंदोलन आहे। आघाडी सरकारनं जो इम्पेरिकल डाटा ओबीसीचा अजून बनवण्यास सुरुवात केलेली नाही आहे। वास्तविक पाहता एम्पिरिकल डाटा हा केवळ 1 महिन्यामध्ये नमुना सर्वेक्षण संघटन बनवते। आम्हाला त्याचा अनुभव आहे। 2005-2006 एम्पिरिकल डाटा नमुना सर्वेक्षण संघटनेनं बनवून न्यायालयात सादर केला होता आणि ओबीसीचं IIT IIM आरक्षण वाचवलं होतं। तो जेव्हा 1 महिन्यात बनू शकते तर आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारनं आघाडी सरकारनं अजूनही म्हणजे काही त्याच्यावर पाऊल उचललेलं नाही आहे। आम्ही त्या 32 वर्षापासून या ओबीसीचं आंदोलन करत आहोत। आम्हाला माहीत आहे कोणाची कुठी कोणं कुठे गाळली आहे या आरक्षणामध्ये। या आम्ही आरक्षण विरोधकांचा ओबीसी आरक्षण विरोधकांचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करण्याकरता आम्ही मुंडन आंदोलन करत आहोत। ओमकारेश्वर गुरुफ ने कहा कि धनहीन सदानहीन लोगों के न्यायिक अधिकार के लिए विधानसभा में आमदार संगठित होकर आवाज बुलंद करने पर विधानसभा का कामकाज कुछ समय के लिए स्थगित करने की बजाय सीधा आमदारों को निलंबित कर ओबीसी की आवाज दबाने का प्रयास किया गया, जिसका हम तीव्र निषेध करते हैं। मुंडन करने वालों में नाना उमाठे, ओमकारेश्वर गुरुफ, मुरली भोले, संजय देशमुख, विजय खंडे, राजेश देशमुख आदि का समावेश था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।